आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उत्तर भारत में भीषण गर्मी, दिल्ली के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री के पार। गर्मी के ताप से बचने के लिए लोगों ने किया पहाड़ों का रुख। उत्तराखंड में होटलों की बुकिंग हो चुकी है फुल, हिमाचल में भी है मारामारी। असम में बाढ़ की वजह से 7 जिलों में लगभग 57,000 लोग हुए प्रभावित, 3 लोगों की मौत। बुद्ध पूर्णिमा पर राजनेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी बोले, संसार को शांतिपूर्ण बना सकते हैं उनके विचार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा ऑफिस में जबरन घुसी ममता की पुलिस, राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन में एक और फाड़, राजेश सिंह चौहान नए गुट के अध्यक्ष। लाखों यात्रियों के सफर को लगा झटका, रेलवे ने अचानक निरस्त की महत्वपूर्ण ट्रेनें। यूपी डीजीपी को हटाने पर अखिलेश यादव भड़के, सरकार से पूछा नियुक्ति के समय नहीं जांची थी योग्यता। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के छात्र छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता और राशन भी, अभिभावकों के खाते में जाएंगे रुपए। भाकियू और राजनैतिक के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान बोले, किसान आंदोलन के भटकाव के कारण बनाया गया संगठन। बफेलो सुपरमार्केट के बाद एक दिन बाद ही टेक्सास और कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी, 3 की मौत, कई लोग हुए घायल। तेज प्रक्रिया से नाटो में शामिल होंगे फिनलैंड और स्वीडन, तुर्की के विरोध को ठंडा करने में जुटा अमेरिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जमैका में हुआ गर्मजोशी से स्वागत। पाकिस्तान के उत्तरी वरीजिस्तान में आत्मघाती हमला, 3 पाक सैनिकों और 3 बच्चों की मौत। सरकार बदलने से भी नहीं सुधरी देश की हालात, अब खाने का तेल हुआ लोगों की पहुंच से बाहर। आईपीएल 2022 में फ्लॉप चल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा पर सौरभ गांगुली का आया बयान, कहा इनकी फॉर्म वापस लौट आएगी। आईपीएल 2022 में युजवेंद्र चहल का धमाल प्रदर्शन, चहल ने की हरभजन सिंह की बराबरी। राजस्थान ने लखनऊ को 24 रनों से हराकर अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को किया मजबूत। कोच टॉम मूडी ने केन विलियमसन से पारी का आगाज कराने के फैसले का बचाव किया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खुशखबरी, विस्फोटक ओपनर पृथ्वी शॉ को मिली अस्पताल से छुट्टी, हुई टीम में वापसी। कंगना रनौत ने स्टार किड्स पर निकाली भड़ास, बोली देखने में भी अजीब से ऐसे लगते हैं जैसे उबले हुए अंडे। आईफा 2022 की डेट हुई पोस्टपोन, यूएई के राष्ट्रपति के निधन के बाद लिया गया फैसला। KGF 2 से पिटी जयेश भाई, जोरदार, तीसरे दिन ही निकला दम, कमाए सिर्फ 4.45 करोड़।
आमिर खान के भांजे इमरान खान ने लिया पत्नी अवंतिका मलिक से अलग होने का फैसला, लंबे समय से कर रहे हैं रह रहे हैं अलग। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में राघव जुयाल की एंट्री, एक्शन सीन में साथ आएंगे नजर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।